सब्र करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया इनकी अलामत क्या है, कौन लोग हैं ये, इनकी मेंटालिटी क्या होती है। सब्र के लिए सब्र वाला मिजाज ज़रूरी है, और वो क्या मिजाज है, अल्लाह ने खुद ही बयान किया कौन लोग हैं सब्र करने वाले। अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाह, उनकी सोच ये होती है कि वो सर से लेके पांव तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, उसकी मिल्कियत हैं, मेरी अपनी जात में मेरा कोई इख्तियार नहीं, मेरा मालिक अल्लाह है, मेरे पूरे बदन पर, मेरे जिस्म पर, मेरी रूह पर हुक्म अल्लाह का चलता है, मैं अल्लाह की मिल्कियत हूँ, अल्लाह इसमें जैसा चाहे तसर्रुफ करे, कभी बीमार करे, कभी सेहतमंद करे, कभी राहत दे, कभी तकलीफ दे, जो चाहे करे, मैं अल्लाह का हूँ, अल्लाह को हक है, अल्लाह को इख्तियार है, मेरे अंदर जो चाहे फैसला करे। इस हदीस में आया कि मादिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया कदाउक, अल्लाह मेरी जात में तेरा ही हुक्म चलता है और तेरा हर फैसला अदल व इंसाफ वाला होता है। उनकी सोच ये होती है हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने हमको बीमार किया वो हमारा मालिक, उसने हमको तकलीफ दी, तकलीफ में डाला, परेशानी में डाला, वो हमारा मालिक है, जो चाहे करे, जब चाहे वो बीमार कर दे, जब चाहे शिफा दे, उसको हमारा मालिक है, हम उससे नाराज नहीं होते, उसको इख्तियार है। सब्र करने वाले का मिजाज ये होता है, और इस मिजाज से इंसान में बर्दाश्त आता है, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा नहीं बोलता हो, मालिक है वो जो चाहे करे। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और यहाँ हमेशा रहना थोड़ी हमको, हमको पलट के किसके पास जाना है, अल्लाह के पास जाना है। तो सब्र करने वाले में सब्र पैदा कैसे होता है, सब्र पर वो जम कैसे पाता है, इस सोच की वजह से कि दुनिया फानी है, यहाँ हमेशा रहना नहीं है, और जितनी देर यहाँ हम रहने वाले हैं उतनी देर, उतना वक्त, चाहे वो 4 दिन हो या 40 साल हो या उससे ज़्यादा, इसमें हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को हक है कि जैसा चाहे तसर्रुफ करे, जो चाहे वो करे, हम उससे राज़ी हैं। रदीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं राज़ी हूँ इस बात से कि अल्लाह मेरा रब है, वो जो चाहे करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बतलाया कि दुनिया में आजमाइश आएगी, दुनिया में मुसीबतें परेशानियाँ आएंगी, कभी जान के रास्ते से, कभी माल के रास्ते से, कभी इज्जत के रास्ते से, कभी किसी और रास्ते से। इसमें हमको कामयाबी का रास्ता क्या है, हमारे लिए कामयाबी का रास्ता ये है कि हम अपने अंदर एक सिफत सलाहियत पैदा करें, और वो क्या है, सब्र है। तो ये सब्र है जो हमें अल्लाह के नज़दीक हिदायत याफ्ता बनाता है। इसीलिए आखिर में क्या कहा, वो उलाइका हुमुल मुहतदून, यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है दुनिया में अल्लाह की तरफ से अता की हुई सिरात मुस्तकीम पर, और आखरत में इन्हें जन्नत का रास्ता नसीब होगा, उन्हें जन्नत तक पहुँचाया जाएगा, अपनी मंजिल तक। उसके अंदर कोई आजमाइश नहीं, जन्नत में कोई परेशानी नहीं, वहाँ पर कोई अजाब नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई नुकसान नहीं।